हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल इस साइड कोमल। सो जो आज का हॉल वीडियो है वो है एमरजेंसी। इससे पहले कि आगे मैं बढ़ूँ, मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है, जो कि मैंने चेंज जानबूझ कर नहीं किया, मुझे करना पड़ा। जिस रूम में मैं शूट करती हूँ वहाँ पर मेरा बेटा सो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ शूट कर लेते हैं, उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो जो आज का हॉल वीडियो है वो है एमरजेंसी, जिसमें मैं लेकर आई कुछ कुर्ता सेट अंडर द रेट ऑफ 500। सारे ही कुर्ता सेट्स मैंने समर्स को ध्यान में रखते हुए लिए हैं, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैंने सारे ही कुर्ता सेट इसके अंदर रख दिए हैं। चार तो मुझे इसी में रिसीव हुए थे, एक मुझे अलग से रिसीव हुआ था, तो वो भी मैंने इसी में डाल दिया। इसे निकाल लेती हूँ मैं और आपको दिखाती जाती हूँ किस तरह से कुर्ता सेट मुझे रिसीव हुए हैं। और बता दूँ मैं आपको कि सारे ही कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं, तो साइड कर लेती हूँ। और ये हैं मेरे पास 5 कुर्ता सेट, और सारे कुर्ता सेट काफ़ी अच्छे हैं, बस किस में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताते जाऊँगी। सो जो फर्स्ट आया है मेरे हाथ में वो है ग्रीन कलर का कुर्ता सेट, जिसके साथ आपको मिल जाएगा प्लाजो। और ये कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल भी है। आई थिंक मैंने 459 रुपीज़ में परचेज़ किया था, लेकिन अभी इसका प्राइस आई थिंक 489 रुपीज़ है। और इसमें आपको कलर ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको साइजेस मिलेंगे, तो ये चीज़ें मैंने आपको खोलने से पहले बता दी। तो इस तरह से ये कुर्ता सेट है, ये इसका कुर्ता है, पूरा ही प्रिंटेड कुर्ता है। और इस तरह से इसकी नेक का डिज़ाइन है, यहाँ पर लेस लगा रखी है, जो कि मुझे काफ़ी प्यारा लगा। इसका फैब्रिक बताते चलूँ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको पहनने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ पहना है, इतना ज़्यादा अच्छा इसका फैब्रिक है। और इस तरह से स्लीव्स मिलेंगी, बैक से कुछ इस तरह से है। और लेंथ वगैरह आपको इसकी ट्राई में पता चलेगी, तो ट्राई में बता दूंगी मैं आपको। तो इस तरह से ये कुर्ता है, और इसके साथ आपको मिलेगा इस तरह से एक प्लाजो, जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड इलास्टिक मिल जाएगा इस तरह से। ये भी पूरी तरह से प्रिंटेड है, जैसा कुर्ता है वैसा ही प्लाजो भी है। और इसमें आपको एक पॉकेट भी मिल जाएगी, जो कि ये रही। तो इस तरह से एक पॉकेट भी मिल जाती है, जिसमें आपको कुछ रखना है तो आप इजीली रख भी सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका आसन वगैरह प्रॉपर है, आसन में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अच्छा कुर्ता सेट है मेरी तरफ से, थम्स अप है इसके लिए। अब इसे बता रही हूँ मैं, बाकी मैं आपको ट्राई ऑन दिखा देती हूँ, तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्राई ऑन। सो ये वाला कुर्ता सेट कुछ इस तरह से लग रहा है पहनने के बाद, काफ़ी ज़्यादा सुंदर कुर्ता सेट है, कंफर्टेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। वन साइड आपको पॉकेट मिल जाएगी इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा सुंदर कुर्ता सेट है। और शायद इसमें आपको कलर नहीं मिलेगा, तो कलर यही है और साइजेस वगैरह और मिल जाएंगे, तो मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है। और जो इसका फैब्रिक है वो है कॉटन ब्लेंड, तो कॉटन ब्लेंड भी नहीं कहूँगी मैं, कुछ इस तरह से है, जैसे कि रेयॉन फैब्रिक होता है वैसा फैब्रिक है इसका, और रेयॉन भी नहीं है ये, अगर मैं आपको सही बताऊँ तो रेयॉन भी नहीं है फैब्रिक, तो इस तरह से ये है। साइज के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल सही आ रहा है, तो अपने ही साइज पे जाना। और जो मेरा बस साइज है वो है 30, और जो साइज चार्ट होता है वो आई थिंक इसका 36 है, लेकिन मैं हमेशा स्मॉल साइज ही परचेज करती हूँ, कभी कभार मीडियम कर लेती हूँ अगर साइज फिट नहीं आ रहा होता तो आप देख लेना कि आपको किस तरह से इसे परचेज करना है। मेरी तरफ से थम्स अप है, अच्छा प्रोडक्ट है। सो जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो एक वाइट कलर का कुर्ता सेट, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया, बट इसमें एक इश्यू है, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, फिर बताती हूँ इसमें इश्यू क्या आएगा। और हाँ, ग्रीन वाले का पहले साइज बता दूँ कि मैंने इसमें साइज क्या मंगाया था। ग्रीन वाले में मैंने साइज मंगाया था स्मॉल, तो मैंने साइज नहीं बताया था आप लोगों को, बता देती हूँ। ये है वाइट कलर का कुर्ता सेट, काफ़ी ज़्यादा सुंदर कुर्ता सेट है ये, इस तरह से इसमें वर्क मिल जाएगा, ये पैच नहीं है, इसी में वर्क कर रखा है, और इस तरह से है ये। यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये पैच है, यानी कि कपड़े पे वर्क करके फिर कपड़े को इसमें सिल रखा है, और इस तरह से है ये। इसमें आपको कलर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको सिर्फ यही कलर मिलेगा, साइजेस वगैरह मिल जाएंगे। और इसमें जो मैंने अपना साइज मंगाया है वो है स्मॉल, तो इस तरह से ये कुर्ता है। कुर्ता बहुत अच्छा लग रहा है नो डाउट, बट इश्यू क्या आता है मैं अभी बताती हूँ आपको, इससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको इसकी पैंट। तो इस तरह से इसकी पैंट मिल जाएगी आपको, क्योंकि फ्रंट से प्लेन है, बैक से इसमें इलास्टिक दे रखा है, और इसमें पॉकेट, हाँ इसमें भी पॉकेट मिल जाएगी आपको इस तरह से,
यहाँ पर भी आपको पॉकेट मिल जाएगी और नीचे इस तरह से डिजाइन दे रखा है जैसे कि उसमें दे रखा था। तो इस तरह से इसकी पैंट है। तो ये कुर्ता सेट तो अच्छा है, नो डाउट अफोर्डेबल भी है। आई थिंक ये 400 समथिंग का ही था, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगी, स्क्रीन पे लगा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा। बट इसमें साइज इश्यू आएगा, मैंने स्मॉल साइज मंगाया है और ज़्यादातर मैं स्मॉल साइज ही मंगाती हूँ हर प्रोडक्ट में, बट ये मुझे फिट नहीं आ रहा है। तो अपने साइज से करीब 2 साइज ऊपर लेके चलोगे तो ही आपको सही आएगा, अदरवाइज ये आपको सही नहीं आएगा। तो इसमें साइज का इश्यू आएगा, अदरवाइज ये कुर्ता सेट अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्राई। ये वाला कुर्ता सेट मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा है, मैं आपको पास से दिखा सकती हूँ इसी तरह से लगा के, क्योंकि ये चढ़ाना और उतारना ही मुश्किल हो जा रहा है, तो मैं इसे सिर्फ ऐसे लगा के दिखा सकती हूँ आपको। तो साइज के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी सही नहीं है, अपने साइज से 2 साइज अप करके लोगे तो ही ये सही आएगा। नो डाउट कुर्ता सेट अच्छा है बट साइज सही नहीं है, तो यहाँ पर ये मार खाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना साइज 2 साइज अप करके लेना तो ही आपको सही आएगा। और मेरा जो बस साइज है वो है 30, और 30 के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं है ये। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी साइज की वजह से, अदरवाइज अच्छा कुर्ता सेट है। तो इस तरह से है ये कुर्ता सेट, देखते हैं नेक्स्ट वन। सो जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो एक ग्रीन कलर का कुर्ता सेट, बहुत लाइट सा ग्रीन, लाइट भी नहीं कह सकते, अलग ही ग्रीन कलर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा है, अपना एक साइज अप करके मंगाया है क्योंकि मुझे देखना था कि किस तरह से ये साइज आएंगे मुझे। तो इसमें मैंने साइज मंगाया है मीडियम, तो इस तरह से है ये। और इसका भी फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, समर्स के अकॉर्डिंग ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसका फैब्रिक कॉटन है, बट कॉटन ही प्योर कॉटन नहीं है, ये कॉटन ब्लेंड है ये। इस तरह से नेक का डिज़ाइन है, नेक में मिल जाएंगे आपको पोटली बटन्स, जो यहाँ पर मिले दिख जाएंगे आपको अगर दिख रहे होंगे तो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। इस तरह से स्लीव्स मिल जाएंगी, बैक से कुछ इस तरह से है। तो ये है इसका कुर्ता, और इसके साथ आपको मिलेगी एक पैंट जो कि इस तरह से है, और इसमें भी आपको साइड में एक पॉकेट मिल जाती है। तो इसकी भी आसन की चौड़ाई सही है क्योंकि मैंने ये पहन के देख लिया है, तो इसका फिट वगैरह प्रॉपर आ रहा है। बाकी आपको दिखना है तो आप ट्राई ऑन देख सकते हो। तो चलिए मैं इसका ट्राई ऑन दिखा लेती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से लग रहा है ये पहनने के बाद, और किस तरह से आपको अपने साइज पे जाना है अगर आप इसे परचेज करते हो। तो ये वाला कुर्ता सेट भी अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, और फैब्रिक इसका भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये कुर्ता सेट पहनने के बाद भी, और वैसे भी लुक वगैरह भी अच्छा लग रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा कुर्ता सेट है। इस तरह से आपको कोटली बटन में डिटेलिंग मिल जाएगी, नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, स्लीव्स कुछ इतनी मिल जाएंगी, लेंथ वगैरह प्रॉपर है, और जो इसकी पैंट है उसका साइज भी प्रॉपर है, वरना तो आसन वगैरह छोटे हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, प्रॉपर है ये। तो आप इसी तरफ भी जा सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है। और इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, आई थिंक 4 या 5 कलर हैं, तो आप जाके चेक कर लेना साइज के अकॉर्डिंग। अगर मैं बताऊँ इसका जो साइज है, क्योंकि मैंने इसमें साइज जो लिया है वो है मीडियम, तो मुझे कुर्ता सही आ रहा है, थोड़ा सा लूज है बट ठीक है, थोड़ा सा लूज ही पसंद है मुझे, और पैंट इसकी मुझे सही आ रही है। तो इसका मतलब स्मॉल साइज में मे बी इसकी जो पैंट का जो फिटिंग है वो थोड़ी सी छोटी हो गई आई थिंक, तो आप जाके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसे स्मॉल साइज में परचेज करती तो पैंट थोड़ा सा छोटी होती मुझे, यानी कि आसन वगैरह में दिक्कत देती, बट ये मुझे लग रहा है ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि मैंने तो मीडियम साइज परचेज किया है, तो फिलहाल मुझे ये साइज सही लगता है। तो अपने साइज पे जाना, या अपने साइज को एक साइज अप करके भी लोगे तो भी मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही है जो फिलहाल मैंने परचेज किया है। तो मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगाया था वो एक मैंने कुर्ता सेट समझ के मंगाया था, बट मुझे वो एक कुर्ती रिसीव हुई है, और इसका प्राइस चलो मुझे इसमें दिख जाएगा, इसकी स्लीव भी है इसमें 379 रुपीज़ इसका बिल है इसके अंदर, और साइज में स्मॉल मंगाया है, और इसका जो बस साइज देखा है 36। तो मैं आपको बताते चलूँ, जो मेरा बस साइज है वो है 30, और जो मैं परचेज करती हूँ जब भी प्रोडक्ट वो स्मॉल साइज में परचेज करती हूँ जो मुझे फिट आते हैं। तो आप देख लेना कि आपको किस तरह से परचेज करना है। और ये एक कुर्ती मुझे रिसीव हुई है, और इसका प्राइस मैंने बता दिया ना आपको, आई थिंक बता दिया,
लगकर हो गई हूँ। 379 रुपीज़, हाँ मैंने बता दिया था, 379 रुपीज़ इस तरह से कुर्ती मिल जाएगी। इस तरह से इसके नेक का डिज़ाइन है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पर वर्क दे रखा है, आई थिंक ये वर्क, अच्छा नहीं ये कपड़े पे वर्क करके इसका पैच बना के इस पर लगा रखा है, सील रखा है। और इस तरह से स्लीव्स मिल जाएंगी, यहाँ पर भी आपको लेस मिल जाएगी और इस तरह से मिल जाएगी। बैक साइड में इस तरह से है। तो ये टाई एंड डाई पैटर्न पे है, आई थिंक इसमें आपको कलर ऑप्शन एक और मिलेगा, तो आप जाके चेक कर लेना क्योंकि फिलहाल मुझे ध्यान नहीं है। अदरवाइज मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी, अगर उसमें कलर होगा तो आपको वहाँ पता चल जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लक्कड़ हूँ इस मामले में। तो ये कुर्ता भी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है, प्योर कॉटन का कुर्ता सेट है, वो कुर्ता है सॉरी कुर्ता सेट, तो प्योर कॉटन का ये कुर्ता है। समर्स के अकॉर्डिंग ये भी अच्छा है। साइज किस तरह से आ रहा है ये मैं आपको ट्राई में बताती हूँ, तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्राई। तो ये वाली कुर्ती कुछ इस तरह से लगी पहनने के बाद। टाई एंड डाई पैटर्न पे है ये, इसमें आपको एक और कलर मिलेगा जो मुझे फिलहाल ध्यान आया व्हाइट, ओ सॉरी ग्रीन कलर में है वो, तो आपको एक और कलर मिल जाएगा। साइजेस वगैरह काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और जो इसकी नेक का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और अगर मैं साइज की बात करूँ, मेरा साइज है स्मॉल साइज 30 बस्ट है मेरी साइज, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर आ रहा है। ये प्योर कॉटन का कुर्ता है, बिल्कुल ब्रांडेड नहीं है, तो मे भी ये धोने के बाद थोड़ा सा सिकुड़े, तो आप एक साइज अगर लेना चाहो तो आप करके लेना, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगी। क्योंकि जो कॉटन के कुर्ते होते हैं सिकुड़ जाते हैं, और कलर वगैरह जाएगा या नहीं जाएगा ये मैं अभी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये बिफोर वॉश रिव्यू है। तो इस तरह से ये कुर्ता मिल जाएगा, अच्छा कुर्ता है ये भी। सो प्राइस वाइज सही है, मेरी तरफ से इसके लिए भी थम्स अप है। सो जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है वो मेरा फेवरेट है, वो रेड कलर में है, और इसमें आपको एक कलर और मिलेगा पिंक कलर, ये मुझे श्योर है क्योंकि ये मैंने बड़े शौक से खरीदा था रेड कलर। और इसका जो प्राइस है वो मैं बता देती हूँ आपको, रेड 432 रुपीज मैंने परचेज किया था, बट फिलहाल इसका प्राइस बढ़ गया है। और इसमें आपको एक और का मिल जाएगा, अच्छा दो एक साथ आए होंगे, ये ग्रीन वाले का भी, अच्छा ये 432 रुपीज में मैंने परचेज किया था, तो बहुत अच्छी डील थी मेरे लिए ये। और जो ग्रीन वाला है ये मैंने 436 रुपीज में परचेज किया था, ये अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने बहुत सही डील में परचेज कर लिया था। फिलहाल इनके प्राइस बढ़ गए हैं, आई थिंक 499 489 इसके आसपास के इसके प्राइस हैं। और साइजेस वगैरह तो अभी मिल जाएंगे आपको, तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ है, और अच्छे कुर्ता सेट हैं दोनों, तो मेरी तरफ से इनके लिए अभी से बता रही हूँ थम्स अप है, अभी तो मैंने खोला भी नहीं है। तो इस तरह से ये कुर्ता सेट है, रेड कलर में ही मैं बता चुकी हूँ कि एक पिंक कलर और मिल जाएगा आपको। इसका भी फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है, पहनने के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कुछ पहना है। तो इस तरह से ही कुर्ता मिल जाएगा, और इस तरह से स्लीव्स मिलेंगी, यहाँ पर इस तरह से लेस लगा के वाइट कलर की, नेक का डिज़ाइन इस तरह से है। ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, कुर्ता सेट सॉरी, और इस तरह से पूरा ही प्रिंटेड कुर्ता है, समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऑफिस वेयर में भी अच्छा है, डेली वेयर भी अगर आपको पहनना है तो भी अच्छा है। कहीं जा रहे हो छोटे मोटे, कहीं रिश्तेदार के घर जा रहे हो, या कहीं छोटी मोटी कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हो, पार्टी मतलब इन द सेंस कि अगर छोटा मोटा कहीं फंक्शन है आस पड़ोस में वहाँ जा रहे हो, तो फिर आप इसे पहन सकते हो, कोई बुरा कुर्ता सेट नहीं है। अगर आपको और कहीं जाना है, अगर इसके साथ दुपट्टा लेना है तो आप अलग से परचेज कर लो, वो बुरा नहीं लगेगा। तो सही रेट पे ये मुझे अच्छा लगा है ये रेट्स का। और इस तरह से इसका पैंट, इसकी पैंट मिल जाएगी, इसमें भी आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड इलास्टिक मिल जाएगा, और इसमें भी आपको एक पॉकेट मिल जाएगी जो कि अच्छी बात है। तो पॉकेट मिलना पैंट में या प्लाजो में काफ़ी अच्छा लगता है लेडीज़ को, और मुझे भी, मैं लेडीज़ हूँ, क्योंकि कोई हमारा छोटा मोटा सामान होता है तो हम उसमें इजीली रख पाते हैं, और थोड़ा सा हमें माइंड नहीं लगाना पड़ता कि कहाँ पर क्या सामान रखें,
तो ये मुझे जो ऑनलाइन कुर्ता सेट होते हैं ना उसमें ये अच्छा लगता है मुझे, अदरवाइज तो आपको अलग से सिलवाना पड़ता है टेलर के पास। तो ये कुर्ता सेट भी अच्छा है और इसका फैब्रिक भी काफी ब्रीदेबल है, समझ के अकॉर्डिंग बेस्ट है, और मेरी तरफ से इसके लिए थम्स अप है। मैं ट्राई ऑन दिखाने से पहले ही बता रही हूँ, तो चलिए देखते हैं इसका भी ट्राई ऑन। ये वाला कुर्ता सेट भी काफी ज्यादा सुंदर है, इसमें आपको एक और कलर मिल जाएगा, पिंक कलर है आई थिंक वो, तो वो भी काफी अच्छा है और ये कलर भी काफी अच्छा रहा है, काफी ब्राइट सा कलर है, तो कलर की वजह से ही मैंने इसे परचेज किया था। लेकिन ये काफी अच्छी चॉइस निकली है मेरी। और इस तरह से इसका नेक का डिजाइन है, यहाँ पर लेस लगा के व्हाइट कलर की, और इस तरह से स्लीव्स मिल जाएंगे, यहाँ पर भी लेस लगा रखी है, पूरा ही प्रिंटेड कुर्ता है। और जो इसका पैंट का साइज है वो भी प्रॉपर है, आसन वगैरह इसका भी बिल्कुल सही है, और आपको पैंट में एक पॉकेट भी मिल जाती है। लेंथ कितनी आ रही है, मेरी हाइट है 5'3", तो कुछ इतना मुझे आ रहा है, आप देख लेना कि आपको किस तरह से आएगा। तो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही मुझे इसकी लेंथ लगी है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेरी तरफ से इसके लिए भी थम्स अप है, आप इसकी तरफ को जा सकते हो। प्राइस वाइज ये काफ़ी अच्छी डील रहने वाली है। सो आज के हॉल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में। और ये हॉल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं हॉल वीडियो बनाती जा रही, बट कमेंट्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं, देखने वाले व्यूवर्स हैं बट वो कमेंट्स नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर लेना और कमेंट ज़रूर करना अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो, और आगे शेयर भी कर लेना, ये आपकी मर्ज़ी है। और मिलते हैं नेक्स्ट हॉल वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।